प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में एक विशेष प्रकार के इंटीग्रेशन के फॉर्मेट को पढ़ेंगे और वो फॉर्मेट है इंटीग्रल्स रिड्यूसिबल टू द फॉर्म इंटीग्रेशन 1 √ax² + bx + c dx। यानी कि डायरेक्ट इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा, हम लोगों को कुछ पुट करके रिड्यूस करना पड़ेगा तब इस फॉर्मेट में आएगा और फिर उसको बनाना है। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और मैं इसको बताता हूँ। आइए कैसे बनेगा देखिए। आपका i = e^x/√4 − e^2x। तो इसको हम लोग e^x/√4 − e^2x² हम लोग लिख सकते हैं, समझ गए। और अब पुट कीजिए e^x = t। पुट e^x = t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, e^x का e^x, t का dt/dx, यानी कि e^x dx का मतलब आपका हो गया dt, by under root 4 को लिख दीजिए 2² e^x t है तो आपका हो गया t², समझ गए। और अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा देखिए मैं आपको बताता हूं। तो फॉर्मूला हो जाता है dx/√a² − x² = sin−1 x/a। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके आप बनाइए तो देखिए कितना हो जाएगा बाबू। तो i = sin·x / a, x के जगह पे t है, a के जगह पे 2 है, तो t/2 + c, यानी कि साइन वर्स टी तो आपका e^x है, e^x/2 + c, और यही आपका हो गया आंसर, समझिए। इसको हम लोग एलिटर से भी बना सकते हैं, बहुत जल्द बन जाएगा एलिटर से। जैसे देखिए कैसे बनेगा एलिटर से, i = e^x/√4 − e^2x dx। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि e^x को आप पुट कर रहे थे ना, इसको आप इस प्रकार से लिख दीजिए √2² − e^x² dx। आप जिसको पुट कर रहे थे उसको d में घुसा दीजिए और फिर उसी को आप लिखिए और देखिए तो क्या मिला, एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा। e^x का डिफरेंशिएशन e^x ही होता है। और अब फिर ये आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया, तो ये प्यारे बच्चों यही फॉर्मेट हो गया है dx/√a² − x². तो इसको आप क्या कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, तो साइन वर्स x/a, x के जगह पर e^x और a के जगह पर आपका 2 है + c, और ये आपका हो गया आंसर। तो एलिटर से यही फायदा होता है कि आपको ज्यादा पुट पाट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, i = x²/√1 − x^6 dx, और इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको आप इतना कर सकते हैं क्या, देखिएगा तो इंटीग्रेशन x²/1 − x³² और dx, 3 × 2 = 6, पावर तो 6 ही हो जाएगा, लेकिन x³ को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x² आपको मिल जाएगा।
और इसीलिए मैं ऐसा किया, पुट कर दीजिए, पुट एक्स क्यूब बराबर टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर बराबर डी टी बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बाय थ्री, आई बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे आप डी टी बाय थ्री लिख दीजिए, बाय अंडर रूट वन माइनस, इसको आप टी लिए हैं तो टी स्क्वायर हो गया। और फॉर्मूला आप कौन सा अप्लाई कीजिएगा, फॉर्मूला हो जाता है डी एक्स बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, आई इक्वल टू वन बाय थ्री प्यारे बच्चों बाहर, और आपका हो गया साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पर आपके पास टी है तो साइन इनवर्स टी प्लस सी, यानी कि वन बाय थ्री साइन इनवर्स टी, टी आपका है एक्स क्यूब, तो आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस सी, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा बच्चों, मैं इसको एडिटर मेथड से भी बनाता हूं, बहुत जल्द बन जाएगा एडिटर। I इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स क्यूब पे पावर टू डी एक्स, आप जिसको पुट कर रहे थे इसको लिखिए और उसी को आप d में घुसाइए, जैसे आप x क्यूब को पुट किए तो उसको लिखना है उसके फॉर्मेट को और उसी को d में घुसाना है, यानी कि इस प्रकार से d में घुसा दीजिए x क्यूब बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, लेकिन एक बार जरूर वेरीफाई कीजिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पर अकेला एक्स स्क्वायर है तो तीन फालतू का गुना में आया है तो आपको फालतू का भाग में देना पड़ेगा वन बाय थ्री। और अब प्यारे बच्चों देख लीजिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला आपका लगेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वन बाय थ्री साइन वर्स एक्स, एक्स के जगह पर आपके पास है एक्स क्यूब प्लस सी, और इससे देखिए कि कितना शॉर्ट में आपका बन जाता है, समझ गए। तो ये मेथड आपको सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा एम आपका एम सिर्फ और सिर्फ इंटर पास करना ही नहीं है, कहीं ना कहीं एम कंपटीशन निकालना है, चाहे वो एयरफोर्स हो, एनडीए हो, नेवी हो, हाँ, या भी जो भी आपके मन में बैठा हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी है, उसमें ये कंसेप्ट यदि आपका क्लियर रहेगा तो आप आराम से कंपटीशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए आप इसको नोट कीजिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि 1 by x अंडर रूट log x के स्क्वायर माइनस 5, और इस चीज को इंटीग्रेट करना है, आइए करते हैं हम लोग। तो ऐसा कीजिए प्यारे बच्चों कि इसमें देखिए यदि log x को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 by x आ ही जाएगा, इसीलिए आप log x को पुट कीजिए, पुट log x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, log x का 1 by x, t का dt by dx, करने का मतलब है dx by x इक्वल टू आपका हो गया dt, और अब आप i बराबर लिखिएगा, dx by x ये मिलकर आपका हो गया dt by अंडर रूट लॉग एक्स टी है तो टी स्क्वायर, और 5 को आप रूट 5 का स्क्वायर लिख दीजिए। और अब देखिए कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, तो फॉर्मूला आपका हो गया डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है।
तो आइए इसी फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए बाबू, तो i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा log mod x, x के जगह पे t, प्लस अंडर रूट t स्क्वायर माइनस रूट 5 के स्क्वायर प्लस c, यानी कि i बराबर log mod t, t का मतलब आपका है log x, यानी कि log x प्लस अंडर रूट log x का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 के स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 5 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं इसको एडिटर से भी बता देता हूं। देखिए एडिटर से कैसे बनेगा, i बराबर है dx बाय x अंडर रूट log x का स्क्वायर माइनस 5। आप जानते हैं कि log x को पुट कीजिएगा तो 1 बाय x आएगा डिफरेंशिएट करने से, तो जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसाइए, यानी कि इस प्रकार से d में घुसा दीजिए log x बाय इसी के फॉर्मेट को लिख दीजिए, log x का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। और देखिए बाबू अब एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x बिल्कुल ही आ गया। अब इसमें यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो i इक्वल टू log mod x, x के जगह पे log x है, प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि log x का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 5, समझ गए, प्लस c, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। तो एक चीज आप गौर कीजिए कि एडिटर से बहुत ही जल्द बन जाता है, तो आपको एडिटर मेथड सीखना चाहिए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना कम स्पेस में नहीं हो पाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेहतर है कि आप इसको नोट ही कर लीजिए। आइए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि अंडर रूट sec x माइनस 1 और इसको इंटीग्रेट करना है। अब कहेगा सर इस फॉर्मेट में तो है ही नहीं, फिर आप इसको ऐसा क्यों लिखे यहाँ पर, आप अलग से इसको बता देते। तो बच्चों ऐसे ये डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा लास्टली आपको यही फॉर्मेट आ जाएगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो i इक्वल टू हो गया अंडर रूट, sec को बदल दीजिए आप cos में, तो 1 बाय cos x माइनस 1 dx, कहने का मतलब है कि आपका cos x LCM 1 माइनस cos x dx आ गया, जस्ट स्लाइस कर लीजिए। तो हमेशा हर कहीं परिमेयकरण नहीं होता है, अंश का भी होता है, यानी कि आपका न्यूमेरेटर का भी होता है। तो आइए न्यूमेरेटर को आप रेशनलाइज कीजिए, परिमेयकरण कीजिए, यानी कि i बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस cos x बाय cos x, माइनस है तो प्लस लीजिए, 1 प्लस cos x बाय 1 प्लस cos x, और आपका हो गया dx। अब देखिए इसको तोड़िए बाबू, अंडर रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया बाय कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स by cos x plus cos square x dx, और ये root और sin square x दोनों ही cancel हो जाएगा, यानी कि i बराबर आपका हो गया sin x
बाय अंडर रूट कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, अब यदि कॉस पुट कीजिएगा तो साइन आ जाएगा और ऊपर वाला फॉर्मेट बिल्कुल आएगा। देखिए कैसे आएगा, पुट कीजिए, पुट कॉस एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बाय डी एक्स, यानी कि साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स का मतलब माइनस डी टी हो गया, बाय अंडर रूट कॉस एक्स आपका टी है, प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब आपको बाबू, अब आपको क्या करना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको। तो पहले टी स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस टू इंटू ए, अब b के जगह क्या दीजिएगा ताकि आपका अकेला t बचे, तो हाफ देना पड़ेगा, बाय हाफ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, तो प्लस वन बाय टू का स्क्वायर माइनस वन बाय टू का स्क्वायर। यदि फालतू का प्लस किया तो फालतू का माइनस कीजिएगा, अब तो कुछ यहां पर बचा ही नहीं, यानी कि i बराबर माइनस बाहर डी टी बाय अंडर रूट, ये आपका हो गया t प्लस वन बाय टी का स्क्वायर माइनस वन बाय टी का स्क्वायर। और अब देखिए प्यारे बच्चों, कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, तो फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आप इसी फॉर्मूला पर इसको बैठा दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो i इक्वल टू एक माइनस, तो आपका पहले से है माइनस लिख दीजिए, लॉग मॉड एक्स, एक्स के जगह पर t प्लस हाफ है, t प्लस हाफ प्लस अंडर रूट t प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए के जगह पर हाफ है, यानी कि हाफ का स्क्वायर प्लस सी। एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए, t का कोई कोफिशियंट तो नहीं है, t का कोफिशियंट वन है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखिए, तो i इक्वल टू माइनस लॉग मॉड t, तो t आपका क्या है, तो t cos x है, तो ये हो गया cos x प्लस हाफ प्लस अंडर रूट। प्यारे बच्चों, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका फाइनली क्या आएगा, t प्लस टी स्क्वायर, यानी कि t प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, कहने का मतलब i बराबर माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस हाफ प्लस, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही वाला फॉर्मेट आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, और यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ गए, या बहुत ज्यादा ये कर सकता है, हालांकि मैं आंसर को नहीं देखा हूं, मैं भी देखूंगा, हो सकता है इस माइनस को अंदर लेके जाए, और यदि अंदर लेके जाएगा तो इसको बटे में हो जाएगा। हाँ, एक फॉर्मूला लगाकर होता है, पहले मैं मिला लेता हूं, यदि यही आंसर होगा तो ठीक है, यदि माइनस ये बटे में होगा तो मैं बटे में कर दूंगा। ठीक है, मैं एक बार पहले मिला लेता हूं प्यारे बच्चों, तो ठीक है, बिल्कुल सही है, यही फॉर्मेट आंसर का दिया हुआ है बच्चों। तो होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए।